आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फिर बिना आधार ओटीपी के आप पैन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। इससे पहले कि मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया था कि फिर आप आधार ओटीपी के तहत ईकेवाईसी करके मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे पैन कार्ड मंगा सकते हैं, उस वीडियो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर मेरे आधार कार्ड के साथ कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैं घर बैठे कैसे पैन कार्ड के लिए आज ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ। सो गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे बिना आधार ओटीपी के आप पैन कार्ड बना सकते हैं विदाउट आप यहाँ से डॉक्यूमेंट फिजिकली सेंड किए हुए। सो अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और घर बैठे आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जरूर वॉच करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। बिना आधार ओटीपी के पैन कार्ड बनाने के लिए फ्रेंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके सीधा इस साइड में आ सकते हैं या तो फ्रेंड आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में सर्च करेंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, आपके सामने ये साइट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से आएंगे फ्रेंड तो देख सकते हैं सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना, फिर यहाँ से आएंगे तो आपको न्यू पैन सेलेक्ट कर लेना है। न्यू पैन सिटीजन इंडिया फॉर्म यहाँ से 49 है और यहाँ से फ्रेंड आपको आके इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से अपना टाइटल चूज कर लेंगे, जो भी आप यहाँ से टाइटल चूज करना चाहते हैं, श्री श्रीमती कुमारी जो भी रहेगा चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से लास्ट नेम देना, जो भी लास्ट नेम रहेगा सर नेम फ्रेंड आप यहाँ से लास्ट नेम देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ से फर्स्ट नेम देना चाहें तो आप यहाँ से फर्स्ट नेम दे सकते हैं। फिर यहाँ से नीचे आपको मिडिल नेम डालने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से मिडिल नेम डालेंगे। इसके बाद फिर आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ चूज करने का फिर आपको एक ईमेल आईडी यहाँ से डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे। फिर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, इसका फिर आपको इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जिसे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे ये कैप्चा को फिर आपको यहाँ से फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आप सिंपली यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं आपके एक टोकन नंबर दिया जाता है। यह फिर टोकन नंबर आपको कॉपी कर लेना है या फिर आप इसे कहीं नोट कर सकते हैं। जब भी फ्रेंड आप किसी कारणवश इस पोर्टल से लॉग आउट हो जाएंगे तो ये टोकन नंबर डाल के लॉग इन करके आप सेम प्रोसेस वहीं से फॉलो कर सकते हैं जहाँ से फ्रेंड आप लॉग आउट होंगे, इसलिए इसे कॉपी करके रख लें। नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आएंगे फ्रेंड तो देख सकते हैं आप यहाँ से 5 स्टेप में पैन कार्ड को यहाँ से कम्प्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ गाइडलाइन दी जाएगी, इसके बाद फिर यहाँ पर्सनल डिटेल है, इसके बाद कैंडिडेट की डिटेल है, फिर AO कोड दिया जाएगा आपको, फिर डॉक्यूमेंट का डिटेल फिल करना है। इसका फिर आप यहां से पैन कार्ड ऑनलाइन सक्सेसफुल अप्लाई कर सकते हैं। यहां से फिर आपको देख सकते हैं 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन बताया गया सबमिट डिजिटल ईकेवाईसी साइन इन पेपरलेस, यानी पेपरलेस आप ईकेवाईसी कर सकते हैं। दूसरा फिर यहां से देख सकते हैं बताया गया सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, यानी आप यहां से सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तीसरा अपन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से बताया गया फ्रेंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, यानी आपको फिजिकली यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेंड करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड बिना आधार ओटीपी के आप यहाँ से कैसे पैन कार्ड बना सकते हैं, तो आप इन दोनों ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको फ्रेंड यहाँ से रिकमेंड करूंगा आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करें, क्योंकि फ्रेंड फॉरवर्ड करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा आपके यहाँ से अपलोड होने में और आपका पैन कार्ड बनने में। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन दिया गया कि आप फिजिकल पैन कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर है तो फिर आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस करेंगे फिर यहाँ से देख सकते हैं इसके फीस के बारे में बताया जाएगा, जिनमें आप ई केवाईसी करते हैं तो आपको यहाँ से 101 रुपये बन जाएगा। फिजिकल पैन कार्ड 107 रुपये का लगता है। यहाँ से फॉरन एड्रेस में आप मंगाना चाहते हैं तो ये इसका पूरा चार्ज देख सकते हैं और नो फीस रहेगा। फिर अगर आप यहाँ से फिजिकल पैन कार्ड नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर ई साइन से 66 रुपये में आप पैन कार्ड बना सकते हैं। नीचे आएंगे फिर यहाँ से देख सकते हैं आपको लास्ट 4 डिजिट का नंबर डालना है अपने आधार कार्ड का। इसके बाद आएंगे तो अपने आधार कार्ड में जो फुल नेम है उसे डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन का आपको नाम मिल जाएगा, जहाँ जो आपने यहाँ से फिल किया वो नाम आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे फिर यहाँ से देख सकते हैं जहाँ से आपको बताया जाएगा फादर्स का नेम डालने के लिए, इसमें सबसे पहले सरनेम डालेंगे फिर फर्स्ट नेम, इसके बाद आप यहाँ से लास्ट नेम देंगे। इसी प्रकार मदर का भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप पैन कार्ड में किसका प्रिंटेड नाम मंगाना चाहते हैं, फादर्स का मंगाना चाहते हैं या फिर मदर्स का मंगाना चाहते हैं। अगर फादर्स का मंगाना चाहते हैं तो फादर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से बताया गया प्लीज डियर एप्लीकेशन, आपके पास इनकम कहाँ से आती है, आप सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, फिर अदर सोर्स है कोई इनकम का। अगर नो इनकम है फिर आपको सिंपली नो इनकम पे सेलेक्ट करना, अगर अदर प्रॉपर्टी रहेगी तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ से बताया गया फ्रेंड, देख सकते हैं रेजिडेंस एड्रेस आपका क्या है, आपको कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। अगर रेजिडेंस एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में दिया गया तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर अदर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ से फिर आपको पूरा एड्रेस फिल करना पड़ेगा। यहाँ से आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ से आपको बताया जाएगा, जहाँ सबसे पहले अपने मकान का नंबर डाल देना, जो भी आपके मकान का नंबर रहेगा। फिर यहाँ से अपने विलेज का नाम डाल देना है, आपके विलेज का क्या नाम है। इसके बाद फिर अपने यहाँ से पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम रहेगा उसे फिल करेंगे। इसका फिर आपको अपने एरिया का यहाँ से नाम डाल देना है। इसका फिर अपनी सिटी या फिर टाउन, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसका यहाँ से नाम डाल देंगे। फिर इसके बाद फिर यहाँ से आएंगे तो करंटी नेम आपको यहाँ से जो चूज कर लेना है, आपकी करंटी क्या है। अगर इंडिया से है तो आप फिर यहाँ से इंडिया टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं इंडिया आ जाएगा। आप यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ से फिर स्टेट दिया जाएगा, तो आप यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, तो यहाँ से पिन कोड डालेंगे फ्रेंड। जिप कोड भी यहाँ से डाल सकते हैं, जिप कोड भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको ऑफिस एड्रेस देना है, ऑफिस का नेम देना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से फिल करनी है। यहाँ से नीचे आएंगे फ्रेंड, तो यहाँ से देख सकते हैं बताया गया टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल। आपको यहाँ से ईमेल आईडी डिटेल और टेलीफोन नंबर डालना है। सबसे पहले आपको यहाँ से इंडिया चूज करना है। इसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं आपको अगर यहाँ से एरिया का एसटीडी कोड है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो आपकी ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से देख सकते बताएगा आपको मैं यहाँ से एसएससी, तो आप यहाँ से नो ही रहने देंगे। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से देख सकते आपको एरिया कोड, एओआई टाइप और रेंज, यहाँ से ये सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। यहाँ आपको इसे कैसे टाइप करना है, सबसे पहले फ्रेंड आप यहाँ से सिटीजन इंडिया पे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट रहेगा सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से फ्रेंड आपको अपनी सिटी को सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी सिटी रहेगी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करेंगे फिर इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन आ जाएगा, जहाँ से फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से ये सारी चीज़ें, एरिया का कोड मिल जाएगा, एओ कोड है, रेंज क्या है, रेंज कोड क्या है। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन में टिक करेंगे, जैसे फ्रेंड टिक करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट देना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अच्छी बात है फ्रेंड, आप इस सब में अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपने यहाँ से आधार कार्ड को आके चूज कर लेंगे। देख सकते हैं आधार कार्ड यहाँ भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे फ्रेंड तो यहाँ भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसा कि फिर आप सबको मालूम है आधार कार्ड में ये सारी जानकारी दी रहती है। इसके बाद यहाँ से आपको हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे, प्लेस का आप यहाँ से नाम डालना है, आप कहाँ से फ्रेंड आप इसे एडिट कर रहे हैं, यानी आप इसे फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ से फिर से आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। फिर जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट रखे रहेंगे वहाँ से आप इसे अपलोड कर देंगे, जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपलोड किया है। सेलेक्ट करने के बाद आप अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार फिर आप यहाँ से पैन कार्ड को भी अपलोड करना है, तो जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा कि आप यहाँ से अपलोड करने के लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। फिर जहाँ आप सिग्नेचर रखे रहेंगे इसे ओपन क्लिकेंगे। इसके बाद फिर आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ये प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। फिर यहाँ से नीचे आएंगे देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना है। जैसे फिर आप इसे सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इसे सेव करना चाहें तो सेव ड्रॉप वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप इन सभी चीज़ों को सेव भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे फिर तो यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से इसके चार्जेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें देख सकते हैं अगर फिजिकली पैन कार्ड चाहिए वो भी इंडियन सिटीजन के लिए ई के वाई सी के माध्यम से आपको 101 रुपये मिलेगा। ये ई के वाई सी से अगर फिजिकली चाहिए तो 107 रुपये देना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री रहे तो आप यहाँ से इसे इतना देना पड़ेगा। अगर फिर ई के वाई सी ई साइन पैन कार्ड चाहिए, जिनमें देख सकते हैं पेपरलेस अप्लीकेशन चाहिए तो आपको 66 रुपये देना है, फिजिकल मोड में चाहिए तो आपको 72 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ से इस प्रकार सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे आएंगे फिर तो आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्रेंड आपका फॉर्म फिर डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं अपने आधार कार्ड को आप सक्सेसफुली यहाँ से अपनी स्कैन करके लगा सकते हैं, इसके यहाँ से आपको फ्रेंड अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आपको टोकन नंबर दिया जाएगा और यहाँ से फ्रेंड आपको पेमेंट करना है, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सो फ्रेंड इसके बाद जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ से 107 रुपये का, आपके यहाँ से पैन कार्ड जो है सक्सेसफुली यहाँ से ट्रैक हो जाएगा। इसका फिर जो आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा उस ट्रैकिंग नंबर से आपको आकर ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए फिर आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से लिखना है पैन कार्ड ट्रैकिंग। यहाँ से पैन कार्ड ट्रैकिंग जैसे फिर आप यहाँ से लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा पैन कार्ड ट्रैक।
यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है पैन कार्ड एंड टिन नंबर ट्रैकिंग करने के लिए। सबसे पहले फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि पैन कार्ड या फिर टिन कार्ड। इसके बाद आपको जो भी यहाँ से कॉपी कर रहेंगे उसे फिर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ से फिर आपके सामने आएगा, यहाँ से कोड आ जाएगा, तो यहाँ से आपको इसको सिंपली फिल यहाँ से फिल कर देना है। सबमिट करेंगे फिर इसके बाद आप यहाँ से प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ से बताया जाएगा क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ से कि अपलोड किया जा रहा है, यहाँ प्रोसेस आपका पैन कार्ड बना है या फिर नहीं बना, पैन कार्ड नंबर आपका जनरेट हुआ है फिर नहीं हुआ, ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार फिर आप अपने पैन कार्ड को भी ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप बिना डॉक्यूमेंट के पैन कार्ड बना सकते हैं, यानी बिना आधार ओटीपी सेंड किए। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे सीधा इंस्टाग्राम में फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल पहली बार चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब किया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। आर पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा इस चैनल पे डेली यूजफुल एवं नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होता है, जिसका पहले आपको पहुंचाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।